वो शोलापुर पुलिस स्टेशन है। वहां गणेश नाम का एक आदमी एसआई के पास आकर सर सर प्लीज सर हेल्प कीजिए, रोजी लापता हो गई। कहा। एसआई ऐसा क्या रोजी? वैसे रोजी आपको क्या लगेगी? पूछा। गणेश सर रोजी मेरी बेटी है सर। कहा। एसआई तो तुम्हारी बीवी क्यों नहीं आई? गणेश सर मेरी अब तक शादी नहीं हुई है सर। एसआई शादी नहीं हुई तो ये बेटी कहाँ से आई? पूछा। गणेश सर मैं उसे अपनी बेटी के जैसा पाल रहा हूँ सर। एसआई ठीक है वैसे रोजी के हॉबीज क्या है? पूछा। गणेश सर रोजी को स्विमिंग बहुत पसंद है, जब भी देखो वो तैरती रहती है सर। कहा। एसआई जब वो लापता हो गई तब वो कौन सा ड्रेस पहनी हुई थी? गणेश गोल्ड कलर ड्रेस था सर, उसका स्किन टोन भी गोल्ड कलर का है साहब। एसआई अरे वाह गोल्ड कलर का स्किन टोन। गणेश सर मुझे बहुत डर लग रहा है, किडनैपर उसे कुछ कर तो नहीं देगा ना? एसआई क्या हुआ किडनैपर? गणेश हाँ सर किडनैपर मुझे फोन करके धमकी दे रहा था। एसआई ठीक अच्छा है आपकी बार जब किडनैपर फोन किया तो मुझे तुरंत बोला। वैसे उसके डिमांड्स क्या है? गणेश 50 मांग रहे हैं साहब। वैसे 50 के लिए मेरी चिंता नहीं है साहब, मेरा डर तो रोजी के लिए है। एसआई क्या है जी 50 बोले तो इतना सिंपल है क्या? ठीक है केस सॉल्व होने के बाद हमें भी कुछ दीजिए ना सर। गणेश जरूर साहब 10 दूंगा। ठीक है ना साहब, एसआई आप बहुत महान है सर। इतने में फोन बजा। गणेश सर किडनैपर ने फोन किया है साहब, एसआई फोन इधर दीजिए। कहकर फोन लिया। एसआई फोन पर क्यों रे तेरी इतनी हिम्मत? गणेश जी की रोजी का तू अपहरण करेगा? चुपचाप रोजी को हमारे हवाले कर दे। किडनैपर। हेलो अंकल, रोजी यहाँ पर सुरक्षित है, मुझे मेरे 50 दे दो तो मैं रोजी को दे दूंगा। कौन है रे तू? मुझे क्यों अंकल बोल रहा है? किडनैपर अंकल अब बस मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, अब मेरे दोस्त आएंगे तो रोजी के साथ खेलना है। कहा एसआई रे रोजी के साथ खेलना क्या है रे? यूं चिल्ला ही रहा था कि किडनैपर ने फोन रख दिया। एसआई गणेश जी किडनैपर बहुत होशियार है, लगता है उसका बड़ा नेटवर्क है। रोजी सच में बहुत डेंजरस सिचुएशन में है। अयो मेरी रोजी को कितनी बड़ी तकलीफ आई। यूं दुखी होते हुए सर 50 नहीं तो 100 देने के लिए तैयार हूँ सर, पर मुझे मेरी रोजी चाहिए। एसआई रोजी बोले तो आपको कितना प्रेम है गणेश जी। कहकर फोन लिया और किडनैपर को फोन मिलाकर एसआई किडनैपर आपके सारे डिमांड्स पूरे किए जाएंगे, तुरंत रोजी को लेके आओ। ओके ठीक है। जगह हाईवे रोड पर आते ही वहां मैं रोजी को हेलीकॉप्टर में भेजूंगा, ठीक 12 बजे वहां पहुंच जाना। एसआई गणेश से सर तुरंत निकलिए, रोजी को हेलीकॉप्टर में भेज रहा है। एसआई कांस्टेबल्स और गणेश हाईवे पर पहुंचते ही एक कांस्टेबल क्या सर हेलीकॉप्टर में भेजेगा बोला? 12 तो बज चुके हैं अभी तक नहीं आया। पूछा। एसआई सर आप 50 बंदोबस्त करके रखिए, किसी भी वक्त किडनैपर आ सकता है। गणेश ठीक है साहब, वैसे बेकरी के पास जाकर आ रहा हूँ। एसआई ऐसे समय पे बेकरी क्यों जा रहे हैं? गणेश 50 चॉकलेट्स तो लेना है ना साहब। एसआई क्या चॉकलेट्स? कहकर मन में ओहो लगता है उसकी बेटी के लिए लेगा। ठीक है जाइए। कहा। कुछ देर बाद गणेश एक चॉकलेट बॉक्स पकड़कर आया। इतने में किडनैपर फोन मिलाकर, हेलो अंकल, आपकी रोजी को मैं छोड़ रहा हूँ, जल्दी रिसीव कीजिए और तुरंत रोजी को पानी दीजिए, यहाँ बहुत वाटर प्रॉब्लम है। कहा एसआई अरे पहले तू रोजी को जल्दी भेजना रे। कहा। कुछ देर बाद कांस्टेबल क्या है सर कहीं पे भी हेलीकॉप्टर की आवाज नहीं आ रही है? कहा। इतने में एक छोटा सा हेलीकॉप्टर का खिलौना जिस पर एक छोटी सी मछली टंगी हुई थी वहां आई। कांस्टेबल सर ये क्या है सर? सच का हेलीकॉप्टर आएगा सोचे तो ये खिलौने का हेलीकॉप्टर क्यों आया है? गणेश उस मछली को देखकर बेटी रोजी रोजी कैसी हो मेरी बिटिया रानी? बिटिया चोट तो कहीं नहीं लगी ना? एसआई वो बातें सुनकर हैरान रह गया। क्यों भाई रोजी बोले तो मछली है क्या? कहा गणेश हाँ सर रोजी बोले तो मेरी मछली पिटिया है, रोजी मेरी मछली का नाम है सर। एसआई तो किडनैपर ने तुम्हें 50 की मांग की बोले थे वो क्या है? गणेश
हाँ सर, 50 चॉकलेट्स डिमांड किए थे। एसआई और हमें 10 देगा बोला, वो क्या है? गणेश, सर मैं जुबान का बहुत पक्का हूँ, जैसे मैंने कहा था, ये लीजिए आपका ये 10 चॉकलेट्स। कहते हुए उन्हें चॉकलेट्स दिया। एसआई वो बातें सुनकर चकराकर नीचे गिर पड़ा। कैलाशपुर नाम के जंगल में एक पुलिस स्टेशन हुआ करता था। स्टेशन में एसआई फोन पे, ऐसा कैसा, ठीक है ठीक है ठीक है, अभी निकलते हैं, कहकर फोन रख दिया। एसआई अपने कांस्टेबल्स के साथ, हम कई दिनों से ढूंढते वो शातिर डाकू कालीचरण के बारे में इंफॉर्मेशन मिला है हमें। तुरंत कैलाशपुर रोड्स, चेक पोस्ट, हाईवे में हमारे पुलिस फोर्स को बढ़ाना जरूरी है, कहा। तब तुरंत जंगल के रहस्य सड़क, हाईवे, चेक पोस्ट के पास पुलिस फोर्स बढ़ाए। वहां जंगल में कालीचरण के पास उस गांव का पहरेदार एक पेड़ के शाखों में से रस्सियों की मदद से आया। वहां पे आके वो, भाई चारों तरफ पुलिस घेरा बांध के खड़ी है, सब रास्ते बंद पड़े हैं, कहा। तब कालीचरण, चाहे कितने भी रास्ते बंद क्यों ना पड़ जाए, हमारा धंधा बंद नहीं होगा, कह के पैसों की थैली एक छोटे से नाव में डाल के निकल गया। कुछ देर बाद एक चेक पोस्ट के पास एसआई, क्या हुआ, कालीचरण भाग निकला, कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल सर, क्या, ओ नो, नाव के रास्ते में से निकल गया, कहकर फोन रख दिया। एसआई उसके कांस्टेबल्स के साथ, कालीचरण फिर से भाग निकला, इस बार नाव के रास्ते से नहीं बल्कि किसी भी रास्ते से वो जाएगा तो हम पकड़ लेंगे, कहकर वहां से निकल गए। अगले दिन कुछ एसआई कुछ पुलिस को बोट्स पे चढ़ा के बोट्स के मार्ग पे निगरानी रखे। कुछ दिनों के बाद उस गांव के पहरेदार वैसे ही शाखाओं के बीच में से रस्सियों की मदद से झूलते हुए कालीचरण के पास आया। भाई हर मार्ग में पहरे ही पहरे हैं, अभी नाव का मार्ग भी बंद पड़ा है, क्या करेंगे भाई। तो कालीचरण बहुत सोचने लगा। उतने में कुछ बच्चे आपस में झगड़ने लगे। चरण उनके पास जाके, ऐ क्यों रे, आपस में क्यों झगड़ रहे हो, पूछा। तो एक बच्चा, देखो भाई मेरा बलून ले लिया, कहा। और एक बच्चा, नहीं भाई ये बलून मुझे मिला है, मतलब मेरा ही है ना, कहा। तो कालीचरण को आइडिया आया। कालीचरण तब एक बड़ा बलून तैयार करके उसका पैसा जेवरात सभी उस बैलून में छुपा के बैलून को हवा में उड़ाया। उतने में पुलिस आके कालीचरण को चारों तरफ से घेरा बांधा। तब एसआई, कालीचरण यू आर अंडर अरेस्ट, कहा। तो कालीचरण, अरेस्ट पर क्यों साहब, पूछा। तो एसआई, तू जनता का पैसा और जेवरात यहाँ पे कहीं पे छुपाया है कह के हमें इंफॉर्मेशन मिला है। तो चरण, अगर आपको यहाँ पे आपके कहे एक भी सामान यहाँ पे मिला तो मुझे अरेस्ट करके बेझिझक ले जा सकते हैं साहब। तो एसआई, तुमने कहीं और छुपाया है, मैं जरूर ढूंढ के ही रहूंगा, तेरा भांडा फोड़ के ही रहूंगा। तब चरण, ऑल द बेस्ट, मुझे अभी जॉगिंग जाना है, कह के उस बैलून को फॉलो किया। वैसे चरण बैलून की मदद से पैसों को रवाना करता था। देखने वाले सभी उस बैलून को कोई साधारण बैलून सोच के कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। एक बार एसआई एक बच्चे से, क्यों रे, सुना है तू शूटिंग बहुत अच्छा करता है, दिखा थोड़ा हमें भी तेरा शूटिंग का टैलेंट, कहा। तो वो बच्चा उसका कैटरपिलर निकाल के किसके ऊपर निशाना लगाऊं कह के सोचने लगा। अचानक वहाँ पे एक बैलून आया। बच्चे ने एसआई से, सर उस बैलून को मैं अपने कैटरपिलर से मारूंगा, देखते रहिए, कहा। तो बच्चा कैटरपिलर जोर से खींच के बैलून पे मारा तो बात खत्म, बैलून फट के उसमें से पैसों की बारिश होने लगी। तब एसआई आश्चर्य हो गया। तो एसआई, ओहो तो कालीचरण बैलून की मदद से पैसा रवाना कर रहा है, सोचा। अगले दिन कालीचरण बैलून में पैसों को छुपाते वक्त एसआई रंगे हाथ पकड़ के उसे जेल में डाल दिया।